हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मंथली रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा कौन कौन सी एनर्जीज आप लोगों के सराउंडिंग में यहाँ पे रहेंगी आपकी हेल्थ आपकी लव लाइफ आपके कैरियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है क्या एडवाइस है ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स एक्वेरियस कुंभ राशि ओके स uh, बड़ी ही जल्दी है आप लोगों को हाँ <laughs> किसी बात से बड़ी ही इम्पेश आप लोग कुंभ राशि देखते हैं यहाँ पे कि महीना आप लोग के लिए कैसा रहेगा Seven of Swords, okay six of cups दुविधा है यहाँ पे करूँ या, या फिर नहीं करूँ मन की बात कहूँ या फिर नहीं हम्म, सो एक बहुत ज्यादा यू नो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हैंग सी हो गई जिसे है आपकी जिंदगी जैसे कहते हैं ना हैंगिंग मोड पे कि चीजें ना तो आगे बढ़ रही हैं ना रुक रही हैं समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को इस टाइम पे कि यू you नो know, आप जो करना चाहते हो वो आप कर भी नहीं पा रहे हो जो हो रहा है वो आपको पसंद नहीं है तो बेसिकली बड़े ही ज़्यादा यू you नो know, ट्रैप में फ़ील कर रहे हो अपने आप को कि मैं कैसे अपने आप को चेंज करूँ अपनी लाइफ को चेंज करूँ इन सिचुएशन को चेंज करूँ इन सिचुएशन से बाहर निकलूँ कन्फ्यूज़न बहुत सारे हैं आपके माइंड में और उनके रास्ता नहीं पता वो कन्फ्यूज़न का यू you नो know, आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो कि आपको क्या करना है क्या करना चाहिए पहली चीज़ तो एक्वेरियस यहाँ पे आप लोग अपना भी मुझे यू नो ध्यान रखते हुए नज़र नहीं आ रहे हो अपने आप के लिए थोड़े से लापरवाह हो रहे हो अपनी डाइट को लेके अपनी हेल्थ को लेके यू नो कुछ भी खा पी लेना अपना ख्याल नहीं रखना अपना रूटीन ख़राब हो जाना पूरा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है इस मंथ एक्वेरियस की अपना ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए बिकॉज यू नो हेल्थ को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि अगर आपने लापरवाही बरती तो फिर इसके यू नो कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको झेलने पड़ेंगे अपनी हेल्थ का ख्याल रखो अपने रूटीन का ख्याल रखो अपनी डाइट का ख्याल रखो दूसरी चीज़ यू नो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी एक्वेरियस कि <laughs> बड़ा ही वियर्ड सा मैसेज है लेकिन ये है कि एक्वेरियस देखो अगर आप लोग किसी ऑफिस में किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपके कुछ सीनियर्स लोग हैं तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके जो भी सीनियर्स लोग हैं ना आपके उनके साथ थोड़ा सा यू you नो know, अपनी बॉन्डिंग को अच्छा करके आपको रखने की ज़रूरत है पता नहीं किसके लिए ये मैसेज लेकिन है कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा करके रखो उनके साथ अपनी रिलेशनशिप जो भी है वो हेल्दी रखो क्योंकि आपके लिए जरूरी है ये आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पे ऐसा आपसे कहा जा रहा है दूसरी चीज़ जो लोग भी जॉब वगैरह नहीं करते बिज़नेस वगैरह में आ, आ, बिज़नेस वगैरह में है तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो आपका जो फोकस है या तो वो पास्ट की चीज़ों में सोचने में लगा रहता है कि भाई ऐसे हुआ था तब ऐसे कर लेते ये कर लेते वो कर लेते या फिर फ्यूचर में लगा रहता है कि कल क्या होगा वो क्या होगा सो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है एक्वेरीज़ कि आप जो प्रेजेंट में ना आपके पास आज का दिन है इस जिस मोमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हो जिस मोमेंट में आप प्रेजेंट हो ये आपके पास टाइम है आप इसको यू नो चेंज कर सकते हो आप इसमें कुछ कर सकते हो ना तो फ्यूचर का आप कुछ कर सकते हो ना पास्ट का आप कुछ कर सकते हो सो so, अगर यू you नो know, आपको अपनी लाइफ like को चेंज करना है तो अपने प्रेजेंट को आपको चेंज करना होगा ओके okay? दूसरी चीज मैं बताती हूँ कुछ और कार्ड्स निकाल लू फिर बताती हूँ एक्वेरियस राशि क्वीन ऑफ सो six of pentacles six of cups के नीचे ही six of pentacles की एनर्जी है और द हैंगड मैन एंड मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से जिंदगी आपकी हैंग हो गई है ओके सो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स ठीक है <laughs> जैसे मैंने कहा भाई अपने सीनियर्स लोगों से जो भी है बना के चलना है लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है झगड़ा वगड़ा नहीं करना है थोड़े से अग्रेसिव मोड में आप लोग रह सकते एक हो एकवेरियस हो सकता है कि आपका यू you नो know, आपको गुस्सा जल्दी आए आप अपना अपने पर जैसे कहते हैं ना कंट्रोल लूज करना सो वो यहाँ पे एनर्जी है लेकिन देखो जितना हो सके अपने मन को शांत रखना ये जो टाइम पीरियड है एक्वेरियस आप लोग के लिए ये है थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा स्ट्रगल है यहाँ पे और यू नो स्ट्रगल भी ऐसी है कि देखो एक तो होता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं हम अपने आप को लेकिन ये स्ट्रगल ऐसी है आप लोगों की आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी है आपको यू नो खुद को प्रूफ करना है कि हाँ मैं ये प्लेस पे हूँ क्योंकि मैं इस प्लेस को डिजर्व करता हूँ या मैं डिजर्व करती हूँ ठीक है कुछ ऐसे कॉश्चन्स राइज हो सकते हैं आप लोगों के सामने इस मंथ और देखो ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि भाई आप डर जाओ या नेगेटिव पड़ जाओ लेकिन आप यू नो पहले से तैयार हो जाओ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ केस अगर ऐसी चीजें होती हैं तो अभी कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बता देती हूँ आपको <laughs> तो अच्छी बात यहाँ पे ये है एक्वेरियस आप बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हो यू नो आपको ये चीजें कुछ जैसे यू नो मैं आपको बताऊँ तो आप कुछ इल्यूज में थे

आपकी लाइफ में ठहराव लेके आओगे स्टेबिलिटी के ऊपर काम करोगे और यू you नो know, जैसे होता है ना कि ईमानदारी के साथ पूरे कंसंट्रेशन फोकस के साथ अपने वर्क पे यू you नो know, अपने काम पर ध्यान देना अपने ऊपर ध्यान देना वो सारी एनर्जीज जो है उनके ऊपर आप काम करोगे हम्म एक बार को तो बहुत मेहनत है एक्वेरियस लेकिन जैसे ना एक बार ही आप लोग स्टेबल हो गए फिर यू you नो know, ये इतना नहीं रहेगा है। देखो हैंग्ड मैन जो है ना ये एनर्जी कभी कभी खुद को परखने की भी होती है कि हम खुद को भाई परख रहे हैं खुद को हम चेक कर रहे हैं कि हम कहाँ गलत हैं हम कहाँ सही हैं यू नो हमसे कहाँ गलती हो रही है तो कुछ ऐसी चीजें यू नो इस मंथ एक्वेरियस सो मैं अभी यहाँ पे आपके लिए और भी देखती हूँ गाइडेंस क्या है ओके okay, सो so मैं बिना शफल करें कार्ड नहीं लूंगी एक्वेरियस कुंभ राशि एक्शन यानी यहाँ पे है नंबर सेवनटीन तो आप लोगों से यहाँ पे एक्शन लेने को कहा जा रहा है एक्शन आपको लेने हैं और एक और मैसेज मुझे यहाँ पे ये दे रहा है कि लोगों को उनके बिहेवियर के साथ यू नो एक्सेप्ट करना सीखो थोड़े से जजमेंटल यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जजमेंटल यू नो आपको नहीं रहना है सही गलत को ऑब्जर्व करना है सही गलत को ध्यान में रखना है लेकिन जजमेंट आपको यू you नो know, दूसरे लोगों को देख के पास नहीं करना है क्योंकि हर तरीके के लोग हैं समझ रहे हो तो सब लोग हमारे जैसे नहीं हो सकते हैं इस चीज़ को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है वुमैन होल्डिंग है कॉइन कोई वुमैन आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपके वर्क को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या तो आप बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर हो ठीक है ऐसे कुछ कुछ लोग यहाँ पे रोल मॉडल की भी एनर्जी कि अपने कोई रोल मॉडल है आपका कोई आइडियल है आपका और आप उनको फॉलो कर रहे हो उनके काम करने के तरीके को आप फॉलो कर रहे हो बहुत कुछ सीख भी रहे हो अपनी पहले एक्वेरियस आप लोग मैं बात करूँ ना अगर भगवान जी आपसे ये कहें ना बच्चा आज एक वर मांग ले मेरे से तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए क्योंकि confusions बहुत सारे हैं आप खुद को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ तो एक कॉपी पेन लो ठीक है और अपनी विश लिस्ट बनाओ कि आपको अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को चेंज करना है क्या आप चाहते हो किस टाइप की आप लाइफ चाहते हो कोई आपको विश है तो आपकी विश क्या है आपको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट क्या करना है यू नो आप मैनिफेस्टेशन भी करते होंगे तो आप यू नो उस टेक्निक को आप पूरा नहीं कर पाते होंगे उससे पहले आपकी विश बदल जाती होगी आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ बहुत ज़्यादा चंचल मन वाली एनर्जी है कि मन बहुत चंचल है अपने मन में थोड़ा सा ठहराव लेके आओ आप लोग मेडिटेशन जरूर करना एक्वेरियस मैंने बहुत पार यू नो मैं सबसे कहती हूँ भाई कोई जरूरी नहीं है कि आपसे कोई कहे कि मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है तब आप मेडिटेशन करो मेडिटेशन करना हर किसी इंसान के लिए ज़रूरी है जैसे आपकी डेली वर्क है यू नो डेली आपकी चीज़ें हैं वैसे ही मेडिटेशन कर मेडिटेशन करना वर्कआउट करना एक्सरसाइज करना आज के समय में यू नो ये मस्ट है अगर आपको एक हेल्दी लाइफ आपके लिए चाहिए तो एक हेल्दी माइंड आपको चाहिए तो तो एक्वेरियस थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी पे काम करना है बहुत ही चंचल मन है आप लोगों का और वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी लेके आनी है ठीक है सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि दी हाउस take अप the reins ऑफ योर लाइफ तो आ, एक वेरियस ये जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि अपनी जिंदगी के यू नो डिसीज़न खुद लो अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो बहुत ज़्यादा कि जैसे होता नहीं है बचपन में हम करते हैं कि भाई हमारा फ्रेंड स्कूल जाएगा तो हम स्कूल जाएंगे समझ रहे हो तो यहाँ पर वही आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों का भरोसा देखना बंद करो दूसरों से उम्मीदें मत लगाओ एक्सपेक्टेशन मत लगाओ अगर आपको कुछ करना है तो खुद जाके कर लो समझ रहे हो एक्वेरियस, थोड़ा सा खुद में चेंज लाने की नीड है खुद में बदलाव लाने की नीड है अगर दूसरों से बहुत ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप हर्ट होंगे बार बार आप हर्ट होंगे आपको कोई समझ नहीं पाता है आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पाता और ना मुझे कोई मेरे जैसा मिल पाता है हुँ? आप मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो एक वेरियस क्योंकि ये एनर्जी जिससे भी रेजन हो सकता है कि मेरे कुछ मैसेजेस आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हों लेकिन देखो मैं बटरिंग नहीं करती हूँ मैं जो ऑनेस्ट मैसेज मुझे मिलते हैं मैं वो देती हूँ सीधे सीधे क्योंकि यही मेरा काम है अब जो लोग समझेंगे अपने ऊपर वर्क करेंगे उनको मिलेगा नेक्स्ट है यहाँ पे दी वेल वी सिंग आर सॉन्ग ऑफ लव यूनिटी 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 पे काम करने के लिए कहा जा रहा है प्यार से काम लीजिए एग्रेसिव नहीं होइएगा मैंने कहा था कि हो सकता है आपको गुस्सा आए इरिटेशन हो फ्रस्ट्रेशन हो डिप्रेशन कुछ ऐसी चीज़ें आपको रह सकती हैं आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आना है पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशन देना है एक्वेरियस इस महीने इस महीने आपको इनफैक्ट अभी से जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो पॉजिटिव अफॉर्मेशन डेली आपको देनी है सुबह उठते उठते आपको देनी है रात को सोने के पहले आपको देनी है मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है और भगवान जी से ये प्रे करनी है कि भाई हमें क्लैरिटी दो भगवान जी हमें हमारी लाइफ में क्लैरिटी दो अपने वर्ड्स में अपने तरीके से आपको वो प्रेयर करनी है ओके सो एक्वेरियस ये थी आप लोगों की रीडिंग आपका फीडबैक आपके जो भी रिव्यू हो उस रीडिंग को लेके मुझे जरूर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सीडिंग में तब तक के लिए बाय